नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने की बात कही तो विपक्ष की ओर से आवाज मुखर हो गई। कल लंबी चौड़ी सफाई इस पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई थी, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे उनसे कई सवाल पूछते हुए निशाना साधा। देखिए, मूलभूत अंतर है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। ये जाहिर है वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ। वो ज़रा चैप्टर 15 अपनी मिनिस्ट्री का पढ़ लें, एनुअल रिपोर्ट 2018-19, पॉइंट नंबर 4 में वो खुद कह रहे हैं कि द NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ NRIC अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एफोर्सेड स्टैट्यूट। नंबर 1, उनकी गलत झूठ साबित हुई। दूसरा, उन्हीं के MHA के वेबसाइट पर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया में नेशनल पॉपुलर रजिस्टर के बारे में MHA लिख रहा है, इंडिया इज़ इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन NPR। This is the first step towards the creation of NRC. दूसरी बात ये, उनका झूठ यहाँ पकड़ा गया दूसरी मरतबा। तीसरी मरतबा इनका झूठ साबित होगा। 26 नवंबर 2014 को जब किरण रिजिजू मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट को एक सवाल में कहा कि NPR इज रजिस्टर ऑफ ऑल द यूजुअल रेजिडेंट्स विच इंक्लूड सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स एज वेल। फिर उसी पार्लियामेंट में जवाब में कहा कि NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ NRIC। कुछ तो खामी रही होगी, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्लियामेंट का मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, इसमें मैंने ये सारी स्पष्टताएं करी है कि इसी से किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब आप CAA के बारे में, मैं CAA के बारे में आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन, तो CAA में मैंने मेरे राज्यसभा लोकसभा के भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, बिल है, नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। मगर लोगों को भड़काया गया। जब तक सच बात लोगों तक पहुंची तब तक थोड़ी हिंसा जरूर हुई है, मगर रिपीटेड हिंसा कहीं पर नहीं हुई, एक के बाद एक के बाद एक जगहों पर हुई। और मैं मानता हूं कि अच्छा ही है कि जनता ने अब शांति के रास्ते पर चले हैं और वास्तविक स्थिति को समझाने का हम भी प्रयास करें। अगर सच बयान करना जुर्म हो चुका है इस देश में तो मार दीजिए गोली, मगर याद रखिए गोलियां खत्म हो जाएंगी। सच बोलने वाले देश में बहुत हैं, खड़े होंगे। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। 18 लोग जब मर चुके हैं जिस स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। यकीनन जो दंगाई है बराबर उसको करिए, कौन रोक रहा है आपको। मगर कई वीडियोस हैं, एक ज़ईफ आदमी जिसका नाम शमशुद्दीन है नेहतौर का, पैरालाइज है उसको, उसको लाठियों से मारती है पुलिस और फिर वीडियो के बाद गोली की आवाज आती है, अब तक शमशुद्दीन का पता नहीं है। कि ये आप ये समझ रहे हैं कि इसको आप रोक पाएंगे? ये नहीं रोक पाएंगे, इस एज में तो रोक नहीं पाएंगे। लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये सवालात हैं। हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएंगे। देखिए ओवैसी साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई पश्चिम में होता है, ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृहमंत्री के नाते कि इसका NRC की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है, ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। आप जो NPR कर रहे हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक नहीं है क्या NRC से? क्यों मिसलीड कर रहे हैं होम मिनिस्टर पूरे देश को? और उनको याद दिला रहा हूं कि पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर उन्होंने कहा कि OECG पूरे देश में NRC आएगा। पांचों पॉइंट्स में प्रूफ कर रहा हूं,
और फिर अमित शाह कहते हैं कि ओवैसी से अगर कहेंगे कि भाई सूरज मशरक से निकल, कहेगा मगरिब से। अमित शाह साहब, सूरज जब तक मशरक से निकलता रहेगा हम सच्चाई को बयान करते रहेंगे। क्या आप मानेंगे अपनी गलती को? आप देश को मिसलीड कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, ये जेब नहीं देता आपको। आप इस देश के वजीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर हैं, आपको सच बोलना चाहिए। कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं की है। 2004 में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत प्रक्रिया चालू हुई, और 2010 में जब जनगणना हुई 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया। अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का प्रावधान है, सरकार ने आज निर्णय करा है। तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो आसाम में हुई है अभी। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। हाँ, यूपीए के जमाने में भी एनपीआर हुआ मगर सिटीजनशिप एनआरसी नहीं हुआ। और अब के एनपीआर में और पहले के एनपीआर में फर्क यह है कि माँ बाप का नाम पूछकर कहां उनकी पैदाइश हुई बताइए, आधार से जोड़ रहे हैं उसको आप, ये क्यों पूछ रहे हैं सवालात फिर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनपीआर पहला कदम एनआरसी की तरफ और यही एनआरसी होगा। तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर क्यों मिसलीड कर रहे हैं नेशन को? या तो समझ रहे हैं कि सबके सब पढ़े लिखे नहीं है और अपने आप को बड़ा विद्वान समझ रहे हैं। हम जानते हैं चीजों को और इसीलिए उसको अपोज कर रहे हैं। हम होम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप इस तरह से गुमराहकुन बयान मत दीजिए, इससे आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी हो रहा है और देश देख रहा है कि आप गलत गलत बोल रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार अपनी आवाज इस बात को लेकर मुखर की जा रही है, लेकिन अगर कोई आपका पता पूछे, नाम पूछे, तो क्या उल्टा जवाब देना? दरअसल राजधानी दिल्ली से आज एक ऐसी ही खबर सामने आई है। अरुंधति रॉय, जानी मानी एक्टिविस्ट, लेखिका, उनकी ओर से कहा गया है कोई सरकारी आदमी अगर आपका नाम पूछता है तो आप बता देना रंगा बिल्ला, कोई पूछे आपका पता तो बता देना 7RCR। इस तरह से उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या उकसाने की कोशिश की है, क्योंकि यही आरोप इस वक्त उनके ऊपर लग रहे हैं। जबकि दिल्ली के जामिया में आज धरने के 13वें दिन क्रिसमस ट्री सजाकर अनोखे तरीके से इस बात को लेकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है छात्रों ने, देखिए। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, है हक हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, तो एनआरसी से, तो सीएए से। आजाद देश के इन बाशिंदों को अभी और आजादी की दरकार है। एनआरसी से आजादी चाहिए, एनपीआर से आजादी चाहिए, नागरिकता संशोधन कानून से आजादी चाहिए। है प्यारी प्यारी, तो एनआरसी से, तो सीएए से, तो सीएए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ छात्रों का मजमा जुटा है, नारेबाजी हो रही है, विरोध की आवाज मुखर हो रही है। फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जब जब रामलीला मैदान से, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला जाएगा, तब तब दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, एमयू और जामिया से सच बोलने का काम किया जाएगा। नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में इस प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय भी पहुंची थी। जब आपके घर में आएंगे एनपीआर लेके, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो, हम लोग 5 नाम तय करते हैं, रंगा बिल्ला रखो या कुंफू कुत्ता रखो, 7 रेस कोर्स रोड एड्रेस दे दो और 1 फोन नंबर तय कर लेते हैं। विरोध की आवाज को मजबूत करने के लिए अभिनेता जीशान अय्यूब भी पहुंचे थे।
आपकी बात, आपके अपना खुद का कन्विक्शन नहीं था, आपका जो प्रोपेगेंडा था या जो भी प्लान था उसके पीछे का, जो एक्सपोज हो गया है, लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप जो है एक सेकुलर फैब्रिक जो है इंडिया का, आप वो कैसे ख़राब कर सकते हैं? आपको इन्फिल्ट्रेटर से प्रॉब्लम है, अगर आप ये पॉइंट भी उठा रहे थे, उसके अंदर आप एक धर्म विशेष को अगर आप अलग खड़ा करते हैं, तो यानी कि आप हर आदमी को कहीं ना कहीं उसके रिलीजन की आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो अब जो नए लोग भी आएंगे, जो यहाँ के भी लोग हैं जिनको अपने डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो मुझे क्यों एक मुसलमान के तौर पर अपना डॉक्यूमेंट देना है, मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे सकता? हम इसे कहते हैं, अगर हमारे कागज देख रहे तो मुल्क की जो पट्टी है उस पर जाकर चेक करो। उधर जामिया में छात्र आज 13वें दिन भी धरने पर डटे रहे। क्रिसमस के मौके पर माहौल भी उसी तरह का था, तमाम प्रदर्शनकारी सेंटा क्लॉज के ड्रेस में थे, यहाँ केक कटा, क्रिसमस के मौके पर तराने भी गाए गए, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर धरना स्थल पर टंगे थे, तो दूसरी तरफ गुब्बारे भी टंगे थे। एक साथ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जा रहा था। धरना स्थल पर ओपन लाइब्रेरी भी चल रही थी, जहां प्रदर्शनकारी किताबें खोले हुए नजर आए। छात्रों का कहना था कि उनकी लाइब्रेरी को दिल्ली पुलिस ने बर्बाद कर दिया, लिहाजा ओपन लाइब्रेरी का इंतजाम किया गया ताकि प्रदर्शन भी चलता रहे, शिक्षा भी प्रभावित ना हो। ईशा गुप्ता के साथ निखिल लखवानी, दिल्ली आज तक। नागरिकता कानून पर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इन सबके बीच आज भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जबकि वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के कार्यकर्ता जमकर सरकार के समर्थन में मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ये भोपाल में कांग्रेस का हल्ला बोल है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में 5,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा और बैनर पोस्टर के साथ भोपाल की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस का ये विरोध मार्च रंग महल चौराहे से शुरू होकर मिंटो हॉल तक पहुंचा। प्रदर्शन की प्रायोजक मध्य प्रदेश सरकार थी, लिहाजा सरकार का पूरा अमला इसमें शामिल था। प्रदर्शन में उमड़ी भीड़ से गदगद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया कि जब तक उनकी सरकार है, नागरिकता कानून के मध्य प्रदेश में एंट्री नहीं हो पाएगी। ये किसी ने कोई साइन कर दिया जो जन विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी, ऐसा कोई कानून हो, ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा जब तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।